कोटा सेंट्रल लैब में जांच रिपोर्ट के आंकड़े छिपाने की कारस्थानी सामने आई। सेंट्रल लैब पॉजिटिव रोगियों के आंकड़े में हेर फेर कर बीमारी को बढ़ावा देने में अपना बड़ा रोल प्ले कर रही है। सेंट्रल लैब और सीएमएचओ दफ्तर से अलग अलग जानकारी मिलने के बाद आंकड़ों में कारस्थानी का खुलासा हो सका। पिछले चार दिनों में 265 रोगियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन सेंट्रल लैब ने 81 रोगियों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव बताई। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य गिरीश वर्मा जांच के लिए सेंट्रल लैब पहुंचे। उन्होंने इस कारस्थानी को गंभीर माना। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। भी अंतर आ रहा है, इसके लिए मैंने अधीक्षक महोदय को ये ताकीद किया है, इनको बोला है कि ये सप्ताह में दो दिन या तीन दिन उसका राउंड लेके ये बात देखें। और दूसरा, जो केंद्रीय प्रयोगशाला के जो प्रभारी हैं उनको भी मैंने बोला है आज कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, है ना। और जो भी इसके लिए दोषी होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको फिर वहाँ से हटाएंगे।